फरहान ने कर दी गलती से मिस्टेक। मेंस की जगह वुमेन्स हॉकी टीम को फरहान ने कर दिया विश। 5 अगस्त का दिन टोक्यो ओलंपिक्स में ऐतिहासिक रहा। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के इंतजार को खत्म कर ब्रोंज मेडल जीत लिया। इंडियन मेल हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया और जर्मनी को हॉकी में मात देकर एक शानदार जीत हासिल कर ली। इंडियन मेल हॉकी टीम की इस सफलता का जश्न पूरा देश मना रहा है। वहीं जब बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने टीम को बधाई दी तो वो खुद ट्रोल होने लगे और वजह है फरहान का पुरुष हॉकी टीम की जगह महिला हॉकी टीम को जीत की बधाई देना। दरअसल इंडियन मेल हॉकी टीम ने जब ब्रोंज मेडल जीता तो बॉलीवुड सितारों ने उन्हें बधाई दी। इसी लिस्ट में फरहान अख्तर का नाम भी जुड़ा जब उन्होंने टीम को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। फरहान ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा, लड़कियों बधाई, मैं टीम इंडिया पर गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने अपना 4th मेडल जीता है, अच्छी बात है। हालांकि जब फरहान को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो फौरन फरहान ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने इसे लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। फरहान की खिल्ली उड़ाते हुए एक यूजर ने लिखा, अरे सर जी, इतने भी फेमिनिस्ट मत बनो कि लड़कों को लड़की ही बना दो और कलाकारों को बिना चीजों की पड़ताल किए जल्दी से बधाई देने की क्या जल्दबाजी होती है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ये मर्दों का आलिया भट्ट सभी को गोगल्स कह रहा है, कुछ तो होगा, ये हो सकता है। थोड़ी देर बाद फरहान अख्तर ने एक और ट्वीट किया और अपनी गलती को सुधारते हुए टीम इंडिया को कॉन्ग्रेट्स किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, टीम इंडिया को बधाई, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है। वेल फरहान, अब किसी को भी विश करने से पहले एक बार फैक्ट जरूर चेक कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।